बच्चों कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? वेरी गुड। अपने घर पे ही रहना है और अपने वर्कशीट को कंप्लीट करना है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिएगा। घर में भी रहना है तो अपने नेल्स पे ध्यान रखिएगा, अपना नेल्स कटवाइएगा और रोज स्नान कीजिएगा, कपड़े साफ पहनिएगा, ठीक है? और खाना खाने से पहले भी हाथ धोना है, खाना खाने के बाद भी हाथ धोना है। कहीं बाहर जाइए और वहां से आने से हाथ धोना है, बाहर से आइए तो हाथ धोना है, और 20 सेकंड तक कम से कम हाथ साबुन से जरूर धोइएगा, ठीक है? चलिए आज की वीडियो हम मैथ में करनाएंगे, तो मैथ में हम आकृतियों की पहचान करेंगे और उसे मिलान करेंगे, ओके? एक जैसी आकृतियों का मिलान कीजिए। पहले हम इधर मिलान आकृति देखेंगे, फिर इधर की आकृतियों में उसका मिलान करेंगे। जैसे मैंने एक आकृति को पहले से मिला के रखा था, जैसे देखिए ये क्या है, आयतकार है ना, चार कोने में आमने सामने की भुजा दोनों की बराबर है, तो हमने इससे इसके मिला, सेम सेम है एकदम। तो वैसे ही और भी आकृतियों का मिलान करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, गोला है, तो इधर गोला है, ऐसा गोला है कहीं पे, ये रहा है ना, तो हम इससे इसकी मिलान करेंगे। दूसरा देखिए ये क्या है, इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर, पर ये थोड़ी तिरछी है, ऐसी सेम आकृति हमें इधर देखना है, तो हम इधर देखेंगे ये है, ये क्या है, ये इस तरह है और ये खड़ा है, लेकिन ये आकृति दोनों सेम है, एक जैसी, तो हम इसमें मिलान करेंगे। तीसरा हमारा क्या है, त्रिकोण है, देखो इसमें तीन कोण है ना, तो सेम ऐसी आकृति हमें इधर देखनी है, ये रहा नीचे, इसमें भी तीन कोण है और इसमें भी तीन कोण है, तो हम इसकी मिलान इसके साथ करेंगे। इसमें क्या है, ये गोला, आधा गोला है ना, आधा गोला, एक गोला होता है उसका आधा है, तो सेम ऐसे हम इधर देखेंगे, कहाँ है, यहाँ पे है, सेम ऐसे ही ना, ये भी आधा गोला है, तो इसका मिलान हम इसके साथ कर देंगे। सेम आकृति है ना दोनों। और इसमें देखो, इसमें कितने सारे कोण है, एक दो तीन चार पांच, इसमें कितने कोण है, पांच, तो सेम पांच कोने वाली है इधर आकृति कौन सी है, ये रहा, वैसे तुम्हारे एक यही बचा है, लेकिन इसमें भी हम लिखेंगे, इसमें भी पांच कोण है, एक दो तीन चार पांच है ना कोने, तो दोनों सेम आकृति है दोनों की, तो हम इस दोनों के मिलान करेंगे। तो बच्चों आज हमने आकृति की पहचान की और उसका मिलान किया है, आ गई समझ में?